मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों का लेसन फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कंप्यूटर्स की, जनरेशंस बताई थी कि कितनी जनरेशंस होती हैं. हमारी जनरेशंस होती हैं 5 जनरेशंस हैं कंप्यूटर्स की. कुछ लिमिटेशंस होती हैं कंप्यूटर्स की. ठीक है, आज हम डिस्क्राइब करेंगे कि उस नंबर सिस्टम क्या होता है. थस ईच न्यू जनरेशन रिजल्टेड इन द फॉलोइंग चेंजेस, डिक्रीज इन साइज एंड कॉस्ट. हर जनरेशन जो है उसमें कुछ चेंजेस होते गए, जैसे डिक्रीज इन साइज एंड कॉस्ट. साइज डिक्रीज हो गया उसका, डिक्रीज यानी कम हो गया, और उसकी कॉस्ट. इंक्रीज इन द स्पीड, रिलायबिलिटी एंड स्टोरेज कैपेसिटी. उसकी स्पीड, रिलायबिलिटी और स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई. नाउ अब एक्सप्लेन करते हैं हम नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम क्या होता है? सपोज़ यू वॉन्ट टू नो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास. मान लीजिए आप जानना चाहते हो कि आपकी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. वॉट विल यू डू? तो आप क्या करोगे? यू विल सिंपली काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वन बाय वन. आप जो है एक एक करके हर स्टूडेंट्स को काउंट करना स्टार्ट करोगे. द नंबर सिस्टम यू यूज़ हेयर इज़ नोन एज डेसिमल नंबर सिस्टम. और द नंबर सिस्टम यू यूज़ और जो नंबर सिस्टम आप यहाँ यूज़ करोगे वो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम होगा. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम, जो कि मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम है. यू नो हाउ टू यूज़ इट? क्या आप जानते हो इसे हम कैसे यूज़ करते हैं? एंड हाउ टू द मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज, और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है और डिवीज़न है. देयर आर 10 डिजिट्स इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती हैं. दीज 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, और ये डिजिट्स होती हैं हमारी 0 से लेकर 9 तक, आर यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर ऑफ क्वान्टिटी, जिससे कि हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं. एनी क्वान्टिटी ग्रेटर देन 9 इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more डिजिट. और अगर 9 से बड़ी है कोई डिजिट, कोई क्वान्टिटी 9 से बड़ी होती है, तो हम उसको 2 या उससे अधिक के कॉम्बिनेशन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी एड 8 and 5, मान लीजिए हम 8 और 5 को ऐड करते हैं, देन द रिजल्ट इज 13. तो आंसर क्या आता है? 13 आता है, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 3. वो किसका कॉम्बिनेशन है? 1 और 3 का. बिसाइड्स डेसिमल नंबर सिस्टम देर आर अदर नंबर सिस्टम्स टू. डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा यहाँ पे दूसरे नंबर सिस्टम्स भी होते हैं. सम ऑफ देम आर बाइनरी नंबर सिस्टम एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम. ओके, इनको हम बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं और ऑक्टल नंबर सिस्टम भी कहते हैं. बाइनरी नंबर सिस्टम इट हैज़ 2 डिजिट्स, इसमें 2 डिजिट्स होती है 0 and 1, जबकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारी 8 डिजिट होती हैं 0 to 7. ओके, नाउ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? इट हैज़ 16 डिजिट, 0 to 9 एंड ABCDEF, वेयर ए रिप्रेजेंट 10, बी रिप्रेजेंट 11 एंड सो ऑन. है ना, तो हमने यहाँ पे पढ़ा कि दूसरे नंबर सिस्टम भी होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के अलावा. पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स होती हैं 0 टू 9 और ABCDEF, वेयर ए रिप्रेजेंट 10, बी रिप्रेजेंट 11 एंड सो ऑन. ओके, नाउ ऑल दीज नंबर सिस्टम आर यूज इन कंप्यूटर. ये सभी नंबर सिस्टम हमारे कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं. लेट अस लर्न अबाउट द मोस्ट कॉमनली यूज नंबर सिस्टम, द बाइनरी नंबर सिस्टम. अब हम यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. देखिए ध्यान से, बाइनरी मीन्स कंपोज ऑफ 2. बाइनरी मीन्स क्या होता है? कंपोज ऑफ 2, 2 का कंपोज. बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेज ओनली 2 डिजिट. बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारी केवल 2 डिजिट यूज होती है, 0 और 1. बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ यूज वाइडली इन कंप्यूटर्स. बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो हमारा ज़्यादातर कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है. यू नो दैट द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ 10 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9. आप जानते हो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होती हैं 0 से लेकर 9 तक. एज डेसिमल नंबर हैज़ 10 डिजिट्स, इट इज़ कॉल्ड बेस 10 सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट होती है तो इसका बेस क्या होता है? 10 सिस्टम. ठीक है, सिमिलरली एज द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज़ ओनली 2 डिजिट. इसी तरह से जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें हमारी केवल 2 डिजिट होती है, 0 और 1, तो इट इज़ कॉल्ड बेस 2 सिस्टम. ठीक है, तो इसका जो बेस 2 होता है सिस्टम होता है वो क्या होता है? बेस 2. नाउ लुक एट द डेसिमल नंबर्स एंड देयर इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स. नीचे आपको एक टेबल बनी हुई है जिसमें कि कुछ डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं और उसका बाइनरी नंबर सिस्टम नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है 4 बिट्स में. ओके, फर्स्ट डेसिमल नंबर सिस्टम 0, तो 0 को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट किया है? 4 बार 0 लिखा है.
इसी तरह 1 को 0001, ठीक, 2 को 0010, 3 को 0011, 4 0100, 5 0101, 6 0110, ठीक, सो ऑन। नाउ कन्वर्जन, अब कह रहा है कि आप इसको कन्वर्जन कैसे किया, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ हम ये सीखेंगे। यू कैन कन्वर्ट बाइनरी नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर्स वेरी इजीली। हम बहुत आसानी से बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल नंबर, सिंस बाइनरी नंबर सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन टू डिजिट। क्यों? क्योंकि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है वो दो डिजिट पे बेस होता है, 0 और 1। वी टेक 2 एज इट्स बेस, और इसमें हम 2 क्या लेते हैं, इसका बेस लेते हैं। एनी बाइनरी नंबर हैज़ पोजिशन स्टार्टिंग फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट, और किसी भी बाइनरी नंबर की पोजिशन स्टार्ट होती है डेसिमल पॉइंट से। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया है 10101 डेसिमल 011, द पोजिशन ऑफ द डिजिट्स आर, ठीक है, टेबल को ध्यान से देखिएगा बेटा, डिजिट है ऊपर 10101011, ठीक है। अब इसकी पोजीशन बता रहा है, पोजीशन कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है, पोजीशन हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पोजीशन हमारी अगर आती है तो जीरोथ, फर्स्ट पे हमारी क्या आती है, जीरो, जीरो पे डेसिमल से पहले वाले डिजिट को देखिए पहले, फर्स्ट पे जीरोथ, वन पे आपका फर्स्ट आ गया, फिर नेक्स्ट वाले वन पे सेकंड आ गया, थर्ड, फोर्थ, ठीक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही उसको हम माइनस वन यानी फर्स्ट, माइनस सेकंड एंड माइनस थर्ड, यू कैन इंक्रीज द पोजीशन इन बोथ साइड्स अकॉर्डिंगली, इस तरह से हम उसको अकॉर्डिंगली इंक्रीज करेंगे। सो टू कन्वर्ट 10101.001 इंटू डेसिमल नंबर, यू हैव टू एड द प्रोडक्ट ऑफ द बाइनरी डिजिट एंड इट्स पोजिशन इन पावर बेस 2 एज शोन। ध्यान से देखिए, आपका जो डेसिमल नंबर से पहले वाली डिजिट है वो क्या है, 10101, पहले हम डेसिमल से पहले वाली डिजिट को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, डेसिमल नंबर में, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए पीछे से स्टार्ट करेंगे, 1 × 2 की पावर 0, जहाँ पे 2 की पावर 0 होती है 2 की पावर इज इक्वल टू 1 माना जाता है, ठीक है। सेकेंड हमारा 0 आ रहा है पीछे से काउंटिंग, जैसे आप एडिशन पीछे से काउंट करते हो ना, ऐसे ही 0 × 2 की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट वाला जो नंबर था उसमें हमारी 2 की पावर 0 थी, तो सेकंड नंबर में 2 की पावर 1 होगी, इसी तरह थर्ड के नंबर में 2 की पावर 2 होगी, फोर्थ नंबर में 2 की पावर 3 होगी और फिफ्थ नंबर में 2 की पावर 4 होगी, ओके। नाउ 1 × 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो गया, सेकेंड नंबर आपका पीछे से 0 है, आपको किधर से चलना है, राइट हैंड साइड से चलना है, ओके। नाउ 0 × 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 0, 2 की पावर 1, तो 0 की 2 से आपने मल्टीप्लाई करी तो क्या हुआ, 2 0 से 0, 0 की पावर 0 1 है तो इसका मतलब 0 ही होगा। नाउ 1 × 2 की पावर 2, जब आप 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 2 जो कितना होता है, 4 होता है, 4 में आपने 1 की मल्टीप्लाई करी तो आया आंसर आपका 4। फिर नेक्स्ट है आपका 0 × 2 की पावर 3, जब आप किसी भी नंबर की 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना आता है, 0 ही आता है, ठीक है। 1 × 2 की पावर 4, यानी 2 को जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करते हो तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 आ गया। अब इनका सम किया आपने, 1 + 0 + 4 + 0 + 16 कितना आया, 21। ये तो आपका डेसिमल से पहले वाला जो नंबर था उसको कन्वर्ट किया है आपने बाइनरी नंबर में, ठीक, टू डेसिमल नंबर में, सॉरी। अब आता है आपका सिमिलरली फॉर नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, अब आपको डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर देखना है। इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर जो है, इसमें ये ध्यान रखना है, जैसे आपने इसमें 1 × 2 1 × 2 की पावर 0 करी थी, यहाँ जस्ट अपोजिट होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो डेसिमल के बाद है तो 0 से स्टार्ट करेंगे आप, यहाँ पे नीचे से आइए, तो 0 × 2 की पावर -1, 1 × 2 की पावर -2, और नेक्स्ट जो आपका है 1 × 2 की पावर -3, ठीक। आपने जब 2 की पावर 2, 2 × 1 = 2, ठीक है, आपका 2 × 2 2 की पावर -3 मीन्स 0.125, 2 की पावर -2 मीन्स 0.25, एंड 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 0.000। इनका सम किया आपने तो 0.375 आ गया, यानी आपका जब आपने इसको कन्वर्ट किया
बाइनरी से डेसिमल में, तो आपका आंसर क्या आ गया, देखो 10101 का तो आंसर आया था 21 और 011 का आंसर क्या आ गया 375। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ठीक, इसी तरह से डेसिमल टू बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है। देखिए बहुत ईजी है बेटा, टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, जैसे आप अपना प्राइम फैक्टर निकालते हो, सेम उसी तरह फॉलो द गिवन स्टेप्स। सपोज आपको निकालना है 7 का, ठीक है, 7 की जो बेस है वो क्या है 10 है। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2 कंटिन्यूसली, 7 को आपने 2 से डिवाइड किया, तो आपने जब 2 से डिवाइड किया 2 की टेबल में 7 नहीं आता। ठीक, क्या करो, आफ्टर ईच डिवीजन राइट द रिमाइंडर ऑन द राइट हैंड साइड, जो रिमाइंडर बचेगा वो राइट हैंड साइड लिखोगे। अरेंज द रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर लेके जाना। 2 से आपने 7 को डिवाइड किया तो 2, 3 या 6 कट गया, 1 रिमाइंडर बचा जो आपके राइट हैंड साइड में लिख दिया जाएगा। ठीक, अब 2, 1 या 2 कट किया तो 1 रिमाइंडर बचा राइट हैंड साइड में लिख दिया। इसी तरह से 2, 0 जा 2 हो गया तो 1 रिमाइंडर बचा, अब 2, 0 जा 0 तो यहाँ इसका 1 बच गया, तो आपके ये कितने आ गए 1, 1, 1 और इसका बेस क्या होगा आपका 2 होगा क्योंकि आपने इसको 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में 16 वाला एक्सप्लेनेशन। 2, 8 जा 16 कोई रिमाइंडर नहीं बचा, देन 0 लिख दिया आपने राइट हैंड साइड पे। 2, 4 जा 8 जैसे आप प्राइम फैक्टर निकालते हो 0, 2, 2 जा 4 कट गया 0 आया, 2, 1 जा 2 कट गया 0 आया। अब 2 से जब 1 को डिवाइड करोगे आप तो 2, 0 जा तो 0 आएगा, 1 रिमाइंडर तब भी बचेगा तो 1 आ गया। ठीक है, तो 16 को जब यानी डेसिमल नंबर को जब आप बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नीचे से ऊपर जाना है 1, 0, 0, 0, 0 और बेस आपका क्या हो जाएगा 2। ओके, अब आता है आपका कंप्यूटर अरिथमेटिक। कंप्यूटर अरिथमेटिक क्या होता है, यू नो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हम सब जानते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होता है डेसिमल नंबर्स का। यू कैन परफॉर्म द सेम ऑपरेशंस विद बाइनरी नंबर्स टू। ये सारे जो होते हैं ऑपरेशंस ये हमारे बाइनरी नंबर्स में भी होते हैं, जैसे सिंपली अरिथमेटिक में हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, ऐसे ही कंप्यूटर भी अपनी बाइनरी नंबर्स में ये अरिथमेटिक करता है। लेट अस नाउ लर्न बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बाइनरी एडिशन कैसे किया है, बाइनरी एडिशन इज सिमिलर टू डेसिमल एडिशन। बाइनरी एडिशन जो होता है वो सिमिलर होता है डेसिमल एडिशन के। इन बाइनरी इफ सम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड 1 अ कैरी ओवर इज जनरेटेड। ठीक है, अगर किसी बाइनरी नंबर दो नंबर के सम 1 आएगा तो अ कैरी ओवर इज जनरेटेड, एक कैरी जनरेट होगा। सपोज 0 + 0 कितना हो गया आपका एडिशन 0 हो गया, नो कैरी ओवर। ठीक, 0 + 1 कितना हुआ 1, नो कैरी ओवर। 1 + 0 सेम 1 आया तो नो कैरी ओवर, बट 1 + 1 इज इक्वल टू 0 यानी कि इस पे हमारा कैरी ओवर 1 हो गया। ठीक, तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा, हमें अगर इसको करना है तो 101101 ये वाला स्टेप हमें याद रखना पड़ेगा। ये जो रूल है बेटा इसका एडिशन का, ये रूल आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इसे कर पाओगे, चाहे वो एडिशन का रूल हो, चाहे सब्ट्रैक्शन को हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का। अगर आपको ये रूल पता है तो आप एडिशन भी कॉमनली कर लोगे और सब्ट्रैक्शन भी कर लोगे और मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। ठीक है, क्योंकि इसी की हेल्प से होना है। जैसे आपके दो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, 101 में 101 ऐड करना है, आपको पता है 1 + 1 कितना था, मैंने बताया था ना 1 + 1 इज इक्वल टू 0, कैरी कितना लगाया था ना 1। ठीक है, तो 1 कैरी हो गया। अब 0 + 0 का सम कितना बताया था मैंने 0, 0 + 0 का सम कितना बताया था, लेकिन उसके ऊपर 1 कैरी है तो वो 1 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, और 1 + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो 1 + 1 हमारा 0 था, उसके ऊपर कैरी ओवर 1 हो गया तो 1 कैरी आ गया, यानी इसका आंसर कितना आया 101 101 का सम 1010। ठीक, इसी तरह से आता है बाइनरी सब्ट्रैक्शन। बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो सिमिलर टू सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ये सब्ट्रैक्शन भी डेसिमल नंबर के सब्ट्रैक्शन की तरह ही है। यू नीड टू बोरो फ्रॉम नेक्स्ट हायर बिट इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट अ हायर बिट फ्रॉम अ लोअर बिट। इसका रूल क्या है, देखिए बिट 1 0 - 0 इज इक्वल टू 0 है ना, जैसे हमारा 0 + 0 इज इक्वल टू 0 था। 0 - 1 इज इक्वल टू 1, बोरो फ्रॉम लेफ्ट
इसमें आपको बोरो लेफ्ट देना पड़ेगा लेफ्ट में। 1-0 = 1 नो बोरोइंग, इसमें कोई बोरो नहीं होगा। 1-1 = 0 नो बोरोइंग, ठीक है। ये चीज़ याद करनी पड़ेगी आपको कि 0-1 = 1 बोरो फ्रॉम लेफ्ट, ठीक। अब आपको 101 में 11 प्लस करना है। आपको पता है 1-1 कितना था, 0, इसमें कोई बोरो नहीं देना था आपको, तो आप भी नहीं लोगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका 0-1, 0-1 में आंसर आपका 1 था, लेकिन बोरो किधर दे रहा था, वो लेफ्ट में दे रहा था। बोरो किधर दे रहा था, लेफ्ट में, ठीक। तो जब उसने लेफ्ट में बोरो दिया तो वहाँ पे कितना हो गया, 1 की जगह 0 आ गया, ठीक। यानी कि 101 में से 11 माइनस किया तो आपका 010 आंसर हुआ। अब आता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको ये रूल्स याद हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सबको करने में। नेक्स्ट है आपका 0 × ये एस्ट्रिक का साइन है, जिसे हम मल्टीप्लाई भी कहते हैं। 0 = 0, 0 * 1 = 0, 1 * 0 = 0। बस मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि 1 * 1 होता है ना, तो 1 * 1 सेम ऐसे ही 0 * 0 = 0 होता है, 0 * 1 = 0 होता है, 1 * 0 = 0 होता है, 1 * 1 = 1 होता है, जैसे आप मल्टीप्लाई कॉमनली करते हो, ठीक। अब आपका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 1001 में 11 की करनी है, तो 1 * 1 = 1 हो गया, 1 * 0 = 0 हो गया, 1 * 0 = 0 हो गया, 1 * 1 = 1 हो गया। दूसरे 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ऐसे ही, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट नंबर के नीचे क्या क्रॉस का निशान लगाते हो, लगाते हो, ऐसे ही हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई या एसटी का निशान लगा दिया। 1 * 1 = 1, 1 * 0 = 0, 1 * 0 = 0, 1 * 1 = 1। अब आपके पास डिजिट आ गई मल्टीप्लिकेशन में नीचे 1001, 10010, इसको आपको ऐड करना है। सेम वही फर्स्ट रूल पे आ जाओगे, एडिशन वाले रूल पे जाओगे आप। 1 + 0 कितना था हमारा, 1 + 0 = 1, कोई कैरी नहीं लगेगा, ठीक है। 0 + 1 = 1, नाउ 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, एंड 1 का 1 आ गया, यानी आंसर क्या आ गया, 11011। सो ईजी, इट इज़ सो ईजी, मल्टीप्लीकेशन जो है वो आपका बहुत ईजी है, ओके। नाउ बाइनरी डिवीज़न, डिवीज़न कैसे करते हैं। बाइनरी डिवीज़न इज सिमिलर टू डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स। बाइनरी डिवीज़न भी सेम डेसिमल नंबर्स के डिवीज़न की तरह होता है। सपोज आपको 1101 को 10 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करते हो, 10 * 1 = 10 कट करते हैं, तो 11 में से 10 माइनस किया, 1 आया, ऊपर 0 लिख दिया आपने, फिर आपने 10 * 1 = 10 की कट किया, ठीक है, 0 * 0 आ गया। अब लास्ट में आपका 1 रिमाइंडर बचा, जो 1 रिमाइंडर बचा तो आपका ऊपर कुछ नहीं लिख सकते, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे 0 लग गया आपका, तो आंसर कितना आ गया आपका, 110 क्वेटेंट हो गया और रिमाइंडर कितना हो गया आपका, 0, ओके। नाउ फाइल मैनेजमेंट, यहाँ पे सम दिए हुए हैं, परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द फॉलोइंग्स, इन सम्स को मैं दूंगी आपको करने के लिए, आप इसे कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछिएगा, ओके। पहले आप ये देख लीजिए फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। फाइल मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर्ड इन कंप्यूटर। फाइल मैनेजमेंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम फाइल्स और फोल्डर को स्टोर कर कंप्यूटर में स्टोर करके और मैनेज करके रखते हैं। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज़ अ फाइल मैनेजर प्रोग्राम। विंडोज एक्सप्लोरर हमारा फाइल मैनेजर प्रोग्राम है जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है। ES फाइल एक्सप्लोर इज़ अ फाइल मैनेजर एप्लीकेशन, और ES फाइल एक्सप्लोर फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है दैट यू कैन यूज़ इट ऑन टैबलेट, जिसे आप टैबलेट पे यूज़ करते हो। यू विल लर्न मोर अबाउट फाइल मैनेजमेंट इन द नेक्स्ट क्लास। आप फाइल मैनेजमेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में रीड करोगे। यहाँ पे ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा, ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा, डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है। यू कैन ईजिली ट्रांसफर द डाटा फ्रॉम दैट हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर टू एनी स्टोरेज डिवाइस और वाइस वर्सा। आप कोई भी डाटा बहुत आसानी से हार्ड डिस्क से कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस में ट्रांसफ़र कर लेते हो। लेट अस लर्न हाउ टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम द लोकल डिस्क ड्राइव ऑफ अ कंप्यूटर टू पेन ड्राइव। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि लोकल डिस्क ड्राइव यानी डी ड्राइव से आप कंप्यूटर की पेन ड्राइव में डाटा कैसे ट्रांसफ़र करोगे। फर्स्ट पार्ट, स्टेप 1, डबल क्लिक द कंप्यूटर आइकन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपको कंप्यूटर आइकन दिखेगा, उस पर डबल क्लिक करना है तो आपको एक विंडो अपीयर होगी। स्टेप 2 में डबल क्लिक ऑन द लोकल डिस्क ड्राइव, ए न्यू स्क्रीन अपीयर। जैसे ही आप लोकल डिस्क ड्राइव पे क्लिक करोगे ए न्यू स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। नाउ स्टेप 3, सेलेक्ट द फाइल फोल्डर। वो फाइल या फोल्डर आप सेलेक्ट करोगे जो आपको ट्रांसफ़र करनी है।
एंड राइट क्लिक ऑन द डैम, और उसके बाद आप उस पर राइट क्लिक करोगे एंड क्लिक कॉपी ऑप्शन। कॉपी ऑप्शन क्लिक करते ही वो वहाँ पे कॉपी हो जाएगा। स्टेप फोर, क्लिक बैक बटन ऑन द विंडो टू गो बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन। उसके बाद आपको बैक बटन, विंडो की बैक बटन पे क्लिक करना है जिससे कि आप प्रीवियस स्क्रीन पे आ जाओगे। नाउ स्टेप फाइव, इंसर्ट अ पेन ड्राइव इन द यूएसबी पोर्ट ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद यूएसबी पोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स में आप पेन ड्राइव जो है इंसर्ट करोगे। सेलेक्ट रिमूवेबल डिस्क एफ ड्राइव, रिमूवेबल डिस्क एफ ड्राइव को सेलेक्ट करोगे और राइट क्लिक ऑन इट। और जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे उसके बाद आप वहाँ पे उसको क्लिक पेस्ट ऑप्शन, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू आस्क टू मी। ओके।